तो एक बार रमेश खींच के देखो टाइट है या नहीं है, दोनों साइड को खींचो फुल। बहुत टाइट है, बहुत टाइट है ना। इस चीज को खोलने में आप कितना टाइम लेंगे, अगर मैं तुम्हें सवाल करूं तो? एक डेढ़ मिनट तो लगेगा ही, गिली गिली छो। आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, चुटकी में, चुटकी में खोल जा, खोल जा। ये लो खुल गया, ये कैसे हुआ? सो हाई एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बहुत स्वागत है। सो आज मेरे साथ फाइनली है मेरा एक दोस्त, यानी कि रमेश इनका नाम है। तो बहुत बहुत स्वागत रमेश आज की इस वीडियो पे। एक्चुअली बहुत पहले मैंने रमेश के साथ एक वीडियो बनाया था और जिस दिन अपलोड किया यार उसी दिन वायरल हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो रमेश के साथ और एक बार ट्राई कर लेते, इस बार अगर वायरल हो जाए तो यार कुछ काम आ जाए, बहुत दिन से व्यूज नहीं आ रहा है। तो रमेश आज तुम्हारे साथ एक मैजिक करेंगे रुमाल के साथ, ठीक है? देख सकते हो मेरे पास रुमाल है और इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था वो भी गट्ठा लगाने वाला है। यस, याद है? रस्सी में गट्ठा लगाया था। इस बार हम लगाएंगे हैंकी में गट्ठा। तो एक्चुअली ये जो हैंकी है एक बार चेक कर लो, ये साधारण सा है या कोई मैजिकल हैंकी है, ओके? और आखिर तक वीडियो को देखो। हाँ, साधारण सा हैंकी है। अब देखो अगर हम इस हैंकी को दो कॉर्नर को हम पकड़ते हैं, ठीक है? अब इस दोनों कॉर्नर को पकड़ने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गट्ठा लगाएंगे, ठीक है? और इस बार हम क्या करेंगे, दूसरा गट्ठा लगाएंगे। अगर दूसरा गट्ठा लगा देते हैं तो टाइट होगा या हल्का होगा? टाइट होगा। पहला एक गट्ठा से क्या होता है ना, टाइट नहीं होता है, और दूसरा गट्ठे से बहुत टाइट हो जाता है, ठीक है? तो एक बार रमेश खींच के देखो टाइट है या नहीं है, दोनों साइड को खींचो फुल। बहुत टाइट है, बहुत टाइट है ना। ओके, तो रमेश जब बता दिया है तो गाइस और हमें शक नहीं है। यस, तो एक बार काम करो रमेश, इस साइड पकड़ लो और थोड़ा सा खींच के दिखाते। यस, पूरा टाइट, पूरा टाइट। आप देखिए गाइस, अगर मैं आप सबको सवाल करता हूँ कि इस चीज को खोलने में आप कितना टाइम लेंगे, अगर मैं तुम्हें सवाल करूँ तो? दो तीन मिनट काफी ज्यादा बोल दिया, एक डेढ़ मिनट तो लगेगा ही, लगेगा। दांतों से भी खोलना पड़ सकता है, इतना टाइट है। तो एक्चुअली मैजिक में ऐसा कुछ हो सकता है जो आप सोच नहीं सकते। देख सकते हैं दोनों रुमाल बिल्कुल अच्छे से टाइट करके बांध दिया गया है, यानी कि गट्ठा लगा दिया गया है। अब क्या करेंगे ना, हैंकी को हम पीछे लेंगे, ओके? जस्ट 1, 2 and 3। लो रमेश, तुम्हारे लिए एक रुमाल, मेरे लिए एक रुमाल। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? यही तो मैजिक है, यानी कि हमने चुटकी भर में रुमाल को खोल दिया, है ना कमल का मैजिक? मैं एक बार लगा के देखता हूं। हाँ चलो, और एक बार हम दिखाते हैं, फिर आखिर में तुम ट्राई करोगे, ठीक है? तुम बांध के दिखा देना। तो यहाँ पर देख सकते हो दो हैंकी है, मैंने कुछ नहीं किया, एक को दूसरे को ऊपर रखा, सिंपल सा हैंकी है। और फिर मैंने सबसे पहले एक गट्ठा लगाया और फिर मैंने दूसरा गट्ठा लगाया, ठीक है? ये देखो गट्ठा, ओके? ये मैंने किया टाइट, ये किया टाइट। तुम एक बार पूरा टाइट कर दो अच्छे से, कस के टाइट। यस, फुल टाइट, टाइट कर दिया। आप देखिए ये गाइस, दोनों रुमाल बिल्कुल बराबर टाइट है। अब जस्ट रमेश बोलो, गिली गिली छू, गिली गिली छू, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, चुटकी में, चुटकी में खोल जा, खोल जा। ये लो खुल गया। एक बार गट्ठा लगा, हाँ लगाओ गट्ठा, लगाओ गट्ठा, कोई नहीं। सो गाइस एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि हर एक मैजिक के पीछे एक साइंस काम करता है, एक छोटा सा ट्रिक काम करता है, जिसके अलावा हम मैजिक नहीं कर सकते हैं। मैजिक इज ट्रिक, ट्रिक इज मैजिक, नो मैजिक ओनली ऑन ट्रिक्स। मैजिक के पीछे साइंस या आपका हाथों का काम, यानी कि कारसाजी काम करता है। तो एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुमने गट्ठा लगाया, अब करना क्या है, इसको खोलना पड़ेगा, खोलना। ये तो तुम खोलोगे ना, तुमने गट्ठा लगाया, इसको मैंने लगाया था इसलिए मैंने खोल के दिखाया। तो मैंने एक ट्रिक यूज किया था इसके अंदर, जिसके माध्यम से हमने इस मैजिक को करके दिखाया था। तो चलो यार हम सीखते हैं इसके पीछे का राज क्या है, यानी कि इस मैजिक को कैसे आप कर सकते हो और कैसे करके लोगों को हैरान कर सकते हो। तो चलो यार हम सीखते हैं इसके पीछे का राज क्या है, यानी कि इस मैजिक को कैसे आप कर सकते हो और कैसे करके लोगों को हैरान कर सकते हो। तो ये जो ट्रिक है गाइस, ये बहुत ही इजीली आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन सीखने से पहले मैं गेंद रखता हूं इस वीडियो में 2500 लाइक का। यार बहुत कम मैंने बताया, फटाफट इसको कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हो तो आपको एक लाइक कर देना चाहिए, और साथ में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के द्वारा हम आपको ढेर सारे मैजिक सिखाते रहते हैं। गाइस मैंने एक मैजिक कोर्स बनाया, जिस कोर्स के अंदर आप सीख सकते हो कैसे किसी का माइंड रीड किया जाए, यानी कि कैसे माइंड रीड करके कोई भी बात आप बता सकते हैं। सोच लीजिए किसी ने कोई नंबर सोचा, एटीएम का अगर नंबर सोचा या कोई भी दूसरा नंबर सोचा, उस नंबर के बारे में पहले से आपको पता होता है, आप पहले से उस नंबर को लिख के रख सकते हो और उनको दिखा सकते हो कि आप जो भी नंबर बोलने वाले थे वो नंबर मुझे पहले से पता है। या चाहे तो कोई भी कार्ड के बारे में भी सोच सकता है, उस कार्ड के बारे में भी आप बता सकते हो। तो काफी मजेदार और यूनिक माइंड रीडिंग मैजिक है, मैंने उस कोर्स में सिखाने की कोशिश किया है। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। और अभी इसके ऊपर ऑफर चल रहा है और आपको कूपन कोड भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस कोड को यूज करने से आप और भी बेनिफिट उठा सकते हैं, इस कोर्स का मजा उठा सकते हैं। तो प्लीज चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस मैजिक को करने के लिए आप किसी का भी दो रुमाल यूज कर सकते हो, ठीक है? अब सबसे पहले आपको जो करना होता है वो है इन दोनों फिंगर के अंदर सबसे पहले रुमाल को डाल लेना होता है, कुछ ऐसे, और ऐसे पकड़ना होता है और दूसरे रुमाल को रखना पड़ता है इसके ऊपर,
ओके वॉच, सबसे पहले एक रुमाल लो, इस दोनों फिंगर को ऐसे करो और इसके अंदर रुमाल को डाल दो और बाकी दो फिंगर से इसको कैप्चर कर लो और दूसरा रुमाल रखो इसके ऊपर, ओके। और इसके बाद जो करना है इस नीचे वाले रुमाल को ही पकड़ना है, इसके ऊपर हम इसको रखते हैं लेकिन पकड़ते हैं नीचे वाले को और ऐसे इसको घुमा के ले आते हैं, ठीक है? ठीक है, इजी, ये उंगली के पीछे होता है, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम ऐसे रखते हैं और इस फिंगर सॉरी इस रुमाल को लेके आते हैं और इधर से इस चीज को हम ऐसे अंदर डाल देते हैं और लगता है पहला गट्ठा ऐसे लगाया लेकिन ये गट्ठा नहीं है, फॉल्स है। और दूसरा हम रियल में गट्ठा लगाते हैं जो रियल गट्ठा फॉल्स गट्ठे के ऊपर टाइट से बैठ जाता है, ओके। और देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट है। मैं एक्चुअली आपको क्लोजअप में भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने ये किया, उससे पहले मैं रमेश को दिखा देता हूँ। तो देख इसको खींचोगे तो बहुत इजीली खुल जाता है। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो है एक रुमाल को आपको दो फिंगर के अंदर डालना है और बाकी दो फिंगर से आपको इसको कैच करना है, ओके, ऐसे। और आपको दूसरा रुमाल जो है इसको ऐसे रखना है, वॉच क्रॉस बनेगा। और बनने के बाद आपको करना क्या, इन दोनों रुमाल के बीचों बीच आपको हाथ डालना है और नीचे वाले जो रुमाल है इसका कॉर्नर पकड़ के आपको अंदर लेके आना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, जस्ट 1, 2 and 3 and 4, ओके, ये आ गया। आप लोगों को लगता है ये एक गट्ठा हो गया सामने से, बट ये गट्ठा नहीं होता, ये फॉल्स होता है। क्योंकि अगर पीछे का चीज मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं ये चीज मेरे उंगली में फंसा हुआ है और फिर जो हमारे उंगली में फंसा हुआ है इसको खींच के आपको इस चीज को इस तरह से अंदर डाल देना है। इसके बीच से मेरा उंगली गया था तो इस चीज को घुमा के यहां पर इस तरह से मोड़ लेना है और सेकेंड गट्ठा आपको इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है? तो ऐसे आप गट्ठा लगा लेंगे तो जो फॉल्स है ये देखिए, ये चीज फॉल्स होता है, फास्ट गट्ठा। और सेकेंड गट्ठा को देखने में लगता है बहुत मजबूत है और बहुत ज्यादा आप टाइट भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी आप इन दोनों साइड को पकड़ के इस तरीके से खींच देंगे तो बहुत इजीली ये बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको रुमाल को ऐसे पकड़ना होता है, ठीक है, दूसरा रुमाल इसके ऊपर जाता है और तीसरा स्टेप आपको हाथ को नीचे से डाल के इधर से आपको अंदर लेके आना है। लोगों को लगता है ये पहला गट्ठा कंप्लीट और फिर आप इस मिडिल फिंगर के द्वारा इस चीज को इस तरीके से उंगली से बाहर करके इसको अंदर की तरफ डाल दीजिए, ठीक है? देखिए ये चीज मैं अंदर की तरफ डाल दिया और फिर इसको डाल के इसके ऊपर मैंने गट्ठा लगा दिया, ओके, ये देखिए ये मैंने गट्ठा लगा दिया, ये चीज को मैंने डाल दिया बीच में, अब इसको टाइट कर दिया। देखने में लगता है बहुत टाइट है, जब भी आप इस तरीके दोनों साइड को खींचेंगे तो देखेंगे बहुत इजीली बाहर हो जाता है।